जमी तानिया में आई हुई हूँ रंगटान के बूट कैंपर फॉर रूट ऑफ स्टोरी मोड एंड uh, यहाँ पर स्टोरी मोड के अंदर वील हैव टू ऑफ द बेस्ट इन्फ्लुसर्स ई स्पोर्ट्स एथलीट ऑफ री फायर वर्ल्ड नाम और इंट्रोडक्शन उन्होंने अपने आप कमा लिया है जो मुझे देने की जरूरत नहीं है वी है फेवरेट जॉन टी वाइट

Well, <laughs> आपको इंट्रोडक्शन की तो कोई जरूरत नहीं है लेकिन ब्रीफिंग की आपको जरूर जरूरत है अबाउट ये स्टोरी मोड का शो कैसे रहेगा तीन सेगमेंट्स में डिवाइड रहेगा पहला होगा What's in the crate, जहां पर आपकी हम स्टोरी लाइन जानेंगे आप कहा से कहां तक पहुंच चुके हो आगे क्या करना चाह रहे हो नेक्स्ट होगा शॉर्ट फाइड जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सरप्राइजेस वी मूव इन टू दैट सेगमेंट में जरूर आपको बताऊंगी एंड लास्ट बट ऑफ द लीस्ट विच इज गोइंग टू बी द गेम ऑन गेम ऑन की गेम कौन सी रहेगी वो भी हम बताएंगे बट टू दूर्स ये जो जर्सी आपको दिख रही है दैट जर्सी इज द फैन जर्सी गेव अवे कस्टमाइज बाई योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर तो हम चलते हैं टुवर्ड्स द जर्नी व्हाट्स इन द ग्रेट आप बीन स्टार्टेड पहाड़ी पहाड़ी आप अभी तक की जर्नी को एक वर्ड में अगर आपको एम्फसाइज़ करना होगा तो क्या वो वर्ड रहेगा स्ट्रगल स्ट्रगल हार्ड वर्क पेड ऑफ आपको जरूर से वो जो मिल चुका जो स्ट्रगल किया जो हार्ड वर्क आपने डेडिकेट किया उसका रिवॉर्ड मिल चुका है hmm. हां काफी हद तक जितना मेहनत किया उतना तो फिलहाल मिल चुका और मेहनत करूंगा तो जॉनटी आपको आपको अगर आपकी जर्नी को एक वर्ड देना होता तो क्या देते आप फन फन क्योंकि अह मैं पहले किसी और बैकग्राउंड में था एंड देन फिर एक जो तरह स्ट्रगल वो जो स्ट्रगल करने में मजा आया ना तो इसलिए वो मेरे को फन लगा एकदम कि कुछ आसानी से नहीं मिला तो वो जो पाने के लिए एक जो स्ट्रगल किया ना वो फन की तरह मैंने लिया और मजा आया वो पाने में तो हम जानना चाहेंगे कि कैसे क्या स्ट्रगल किया किस तरीके से आप आगे बढ़े और जैसे आपको पता है कि फैमिली कभी बिना गेमिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं बच्चों को मना करते हैं तो मेरे मदर फादर इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है तो उन्होंने स्टार्टिंग में कभी उनको समझ ही नहीं आया कि गेम क्या है तो वो मेरे को रोकते थे कि नहीं खेलना और मेरे पापा ड्राइवर हैं तो वो चाहते थे कि जैसे वो होते नहीं है कि बड़े बड़े लोगों के साथ जाना तो वो क्या होता था पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रहते थे कि मेरा लड़का पढ़ेगा और कल कुछ बनेगा तो वो चाहते थे कि मैं सी ए करूँ ओके okay. तो उस टाइम मैं स्टडी में बहुत अच्छा था मेरे नाइन्टी टू परसेंट आए थे ट्वेल्थ में तो वो चाहते थे कि मैं सी ए करूँ और मेरा भी इंटरेस्ट था क्योंकि आ, एक एम था कि मेरे को बहुत पैसा कमाना है तो मुझे सी ए उस टाइम ऐसा लगा कि हाँ इससे मैं शायद कर सकता हूँ तो सिर्फ इसीलिए मैं सी ए में गया ओके okay. तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया मैं फ़ाइनल जब पहुंचा तो पहुंचते पहुंचते मेरा इंटरेस्ट ना एक बोलते ना ख़त्म हुआ ख़त्म मतलब ख़त्म नहीं मैं बोलूँगा कि गरीबी बहुत थी मतलब पापा इतना नहीं कमाते थे और सी ए की ट्यूशन फ़ीस बहुत ज़्यादा थी सेवेंटी के एट्टी के तो लोन लेके पढ़ा रहे थे तो ऐसा टाइम आता था कि खाने का ना भी लाले पड़ जाते थे तो हम मांग के खाते थे उस टाइम क्योंकि हम उस टाइम रेंट पे रहते थे तो रेंट में क्या होता था पाँच छः फैमिलीज़ एक साथ रेंट पे रहती हैं तो कभी उसके घर से लिया कभी तो ऐसा आता था मोड तो फिर इसलिए मेरा इंटरेस्ट जा रहा था कि मैं देखता था कि मेरे फादर लोन लेके पढ़ा रहे हैं रेंट भी पूरा नहीं हो रहा है ये सब और मेरी सिस्टर है एक छोटी और वो उसकी शादी की टेंशन हो गई बहुत ज़्यादा क्योंकि हमारे घर में क्या होता है कि लड़की की जल्दी से जल्दी शादी होनी चाहिए ट्वेंटी टू ट्वेंटी हो जाए तो शादी करो तो तो ऐसा हो गया एंड फिर मैं ध्यान ही नहीं दे पा रहा था पढ़ाई की तरफ तो फाइनल में जब मैं आर्टिकल शिप की तरफ जा रहा था तो आ, मुझे मेरा फ्रेंड बोलता है कि गेम खेलते हैं एक गेम आया है जहाँ पे हम बात भी कर सकते हैं और खेलते हैं तो मैंने खेलना स्टार्ट किया 2018 की बात है ये और आ, हम खेलना स्टार्ट कर रहे हैं एंड खेलते 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 मज़ा आने लगा और सी जाने लगी गेम आने लगी तो मैं प्रो हो गया उस टाइम तो मुझे तब तक कुछ नहीं पता था कि गेम से भी ऐसा अर्न होता है तो मुझे किसी यूट्यूबर ने बुलाया अपने साथ खेलने के लिए तो खेलते खेलते दोस्ती हुई तो मैं यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगा बट उसने बोला मैं तेरे तो को सपोर्ट करता हूँ मैंने कहा ठीक है तो उसने मुझे एक इनकम बताई उसने बोला कि मैं एक इतनी इनकम अर्न करता हूँ जबकि वो 18 इयर्स का था उस टाइम और मैं 21, 22 का हो गया था तो मैंने बोला इतना क्योंकि तो मेरे पापा उतना भी नहीं कमाते थे उसने ट्वेंटी के मेरे को बोला था मैं बता हूँ तो मेरे पापा उतना भी नहीं कमाते तो बोला इतना बोला हाँ इतना और ऊपर का अलग जो भी आता है मैंने कहा अच्छा फिर मैंने आ, सोचा कि मैं भी करता हूँ okay. बट वही होता है जब आप करने लगो फिर कोई साथ नहीं देता hmm. वो भी दूर हो गया मदर फादर वो नहीं बात बात नहीं करते थे मुझसे क्योंकि वो उस टाइम टूट गए थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ के ये बने और वो इस साइड जा रहा है तो मेरे मदर फादर मुझसे बहुत कम बात करते थे मैं पापा के आगे जाता ही नहीं था वो रेंट में ऐसा था कि बालकनी थी हमारे तो वो बालकनी में बैठते थे, थे मैं अंदर वो अंदर बैठते थे, थे तो मैं बालकनी में मैं okay. जाता ही नहीं था मैं अलग सोता था फिर धीरे धीरे बहुत स्ट्रगल किया बस हाँ। मेरी सिस्टर थी वो मुझसे छोटी थी और वो मतलब हमारे घर में अर्निंग का सोर्स फादर थे फादर के बाद उसने स्टार्ट किया उसने अपनी पढ़ाई छोड़ के जो भी उसने कुछ सीखा था वो ट्यूशन पढ़ाने लगी और वहाँ से जो पैसा कमाती थी वो घर में देती थी तो एक दिन वो बोलती कि वो मेरे को वीर बुलाती है वो तो हमारे पंजाबी वीर जी बोलते हैं तो मेरे को वीर बुलाती है तो उसने बोला कि वीर तू जो कर रहा है ना कर मम्मी पापा को मैं संभाल लूँगी ठीक है तू तो ये ले पैसे उस टाइम मेरे ख्याल से टू थाउजेंड बहुत बड़ी रकम थी मेरे लिए तो उन्होंने बोला ये ले टू थाउजेंड और मैं मम्मी को नहीं बोलूँगी बोलूँगी कि नहीं आई इस बार फीस तू वाईफाई लगा और गेम खेल तो मैं एट आर्स लाइव करता था तो कोई व्यूज़ नहीं आते थे उस टाइम तो।, तो वो बहुत हेल्प करी उसने मेरे को करती रही करती रही तो एक दिन मेरे को कहीं से ऑफ़र आता है कि आप आओ हम चाहते हैं कि आप कास्टिंग करो या फिर आप गेम खेलो बट जब मैं घर बोल के चला गया कि मेरे को एक मौका मिला है मैं कुछ पैसे भेजूंगा आपको तो वो कंपनी फ्रॉड थी और भाग गई और मैं घर से भी छोड़ के आ चुका था और मैं घर वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहाँ पे बहुत पहले से ही बहुत टेंशन थी तो फिर हम वो रात मतलब फुटपाथ होती है ना वहाँ पर सोने के लिए बैठे हुए थे पूरी रात निकाली हमने तो फिर उसके बाद मेरे मैं था मेरे साथ मेरा फ्रेंड देव अलोन जिसको आप जानते हो उसका हैंड नहीं है वो और मैं साथ में थे तो हम सब ऐसे बैठे हुए थे खाने के लिए भी पैसे नहीं थे के लिए भी पैसा नहीं था हमने सोचा अब खत्म तो फिर देव ने कहा कि मैं गेम खेलता हूँ नंबर अच्छे थे यूट्यूब पे मैंने कहा मैं वॉचमैन का काम करता हूँ ठीक है उसने बोला हाँ सेवन थाउजेंड एट थाउजेंड मिलेगा तो तू मैं करता हूँ उससे हम कहीं रेंट देंगे खाना खाएंगे और तू यूटूब कर जब तेरा यूट्यूब ग्रो हो जाएगा तब मैं वापस यूट्यूब पे आऊंगा तो हमने बोला हाँ ठीक है ये आइडिया अच्छा है लेकिन भगवान साथ था और उन्होंने बोला कि ये लो मदद तो हमारा एक फ्रेंड था परचंद भाई तो उनकी सिस्टर ने बोला कि उनको पता नहीं था कि हमें कंपनी ने निकाल दिया ऐसे या फ्रॉड की उन्होंने बोला तुम तो वहाँ रहना इससे अच्छा है कि हमारा कोई रिलेटिव है यहाँ पर एक फ्लैट खाली है तुम उनको रेंट दे देना और यहाँ पे रह लो बोला ठीक है तो हम गए वो खाली रूम था वहाँ पे फिर ज़मीन पे सोते थे उस टाइम हमारा कुछ भी नहीं था वो थे ना चटाई टाइप वो लेते थे और उस पर सोते थे तीन मंथ हमने मतलब अब मानोगे तीन मंथ हमने खाना नहीं देखा कि खाना कैसा होता है क्योंकि हम ना घर वालों से बात कर पाते थे फ्रेंड्स उस टाइम कोई भी मेरा फ्रेंड ऐसा नहीं था जो हेल्प करे मेरी फिर धीरे 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 थोड़ा मतलब मज़ा फन जो मैं आपको बोलता हूँ कि फन वो वही था वो मज़ा कि हमने लाइफ में वो सब किया जिससे आज हम यहाँ पर है फिर धीरे धीरे एक टाइम आया जहां पर दिवाली थी और सब घर गए थे मैं घर नहीं गया क्यूँकी मैं वही मेरा सीन होता तो मैं घर गया मैं घर नहीं गया वहीं पे था तो रैंक पुश का टाइम था आपको पता है उस टाइम रैंक पुश पॉपुलर था ये बहुत ज्यादा शुरुआत में तो सबको यही करना था सो फर्स्ट डे स्टार्ट होता है उस टाइम भी थे थोड़े तो मैंने कहा फर्स्ट पोजिशन नहीं आ पाएगी तो एक गर्ल थी मेरे साथ इन गेम जो बहुत सपोर्ट करती थी मेरे को उस पूरी जर्नी में हम उनका नाम बता लड़की थी जिसको मैं सच्चे दिल से प्यार करता था ओ, first, first हाँ, कह सकते हो। ओके। तो उस... मतलब वो एक लड़की थी जिसके बाद मैंने, मैंने सोचा ही नहीं कभी किसी लड़की के बारे में ना मैं अभी भी नहीं सोचता हूँ कि कोई मेरी गर्लफ्रेंड हो या मेरे को तो वो लड़की क्यों मेरे को पसंद थी क्योंकि वो लड़की बहुत रिच थी वो बहुत रिच बैकग्राउंड से थी और वो इन गेम में ही मिली थी मेरे को तो उसको पता था वो कभी मेरे को जैसे भूख लगती है या मे जब मैं रोता था ना तो मेरे पास कोई नहीं था उस टाइम मम्मी भी नहीं थी कि मैं उनको बोलूं कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है या मैं ऐसे खाना नहीं खा रहा हूं क्योंकि अगर मैं उनको बोलूंगा ना तो वो मेरे को वापस बुला लेंगी और लेकिन मुझे तो करना था ये तो वो एक लड़की थी जिसके पास मैं वीडियो कॉल पर रोता था या उसको मैं सब कुछ बताता था कि मेरे साथ ये हो रहा है या मैं उसको बोलता था कि आज मैं भूखे पेट सो रहा हूँ पानी पी लूँगा वो एक लड़की थी जो मेरे को कभी कभी पैसे भेजती थी बोलती थी तू खा तू ये ले तू वो कर तो वो उस लड़की ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया फिर मैंने सोचा कि ग्रैंड मास्टर जाते हैं और वीडियोस डालेंगे और वीडियोस डालने से क्या होगा कि धीरे धीरे हमें ऑडियंस ऑडियंस मिलेगी तो उसने बोला नहीं तो फंस जाएगा उसने मेरे को बोला कि तू फंस जाएगा मैंने बोला नहीं फर्स्ट नहीं जा सकता क्योंकि हैकर होते हैं और हैकर खेलते हैं बोला नहीं मुझे पता है तू तो फर्स्ट जा सकता है मैंने बोला ठीक है तो उस टाइम देव अपने घर गया था तो देव ने मुझे हंड्रेड रुपीज़ दिए थे बोला कि कुछ खा लेना तो मैं गया वहाँ से जैसे दो बजे के करीब स्टार्ट होने वाला है रैंकुश तो मैं दस बजे उठ के गया एंड फिर वहाँ पे ब्रेड पकौड़ा लेके आया पानी की बोतल रख ली दो लीटर वाली और ऐसे रख लिया मैंने बोला आज मैं पूरा दिन खेलूंगा सिर्फ उस लड़की की रट की वजह से मैंने फर्स्ट डे पूरा स्टार्ट किया मैं टॉप हंड्रेड में आया इन फर्स्ट डे हाँ मतलब मैं ट्वेंटी फोर आवर्स सोया नहीं okay. फिर मैं दोबारा से सेकंड डे स्टार्ट किया मतलब सोया नहीं फोर्टी एट आवर्स लगातार खेला फिर मैं टॉप फिफ्टी आया एंड बोला अभी भी नहीं सोना फिर मैं थर्ड डे फिर खेलता रहा सेवेंटी टू आवर्स में खेलता रहा और थर्ड डे मैं फर्स्ट पोजिशन पर आ गया फर्स्ट टारगेट ओके विद इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट मैं टॉप 1 पे था कांग्रेचुलेशंस नाउ फिर जब वो टॉप 1 पे आया तो मैं बहुत खुश था और वो वो भी मेरे को बार-बार भेजते बार थे मैं उससे तब वो 3 दिन उससे बात ही नहीं करी और उससे मेरे को बहुत फायदा हुआ कि मेरे सब्सक्राइबर <laughs> सीधा बूम हो गए मतलब वहां से डालना मैं वीडियोस स्टार्ट करी यूट्यूबर्स उस अब जब मैं फर्स्ट पे आ गया तो यूट्यूबर्स ने मेरे साथ खेलना स्टार्ट किया उन्होंने वीडियोस डाली अब मेरे को पॉपुलैरिटी मिलने मिलेगी तो आ, मेरे को याद है कि आ, जैसे ही एक यूट्यूबर ने मेरी वीडियो डाली विद इन थ्री डेज मेरे सब्सक्राइबर वन पॉइंट फाइव लाख हो गए ओके okay. और मेरी मम्मी उस टाइम देखती थी मेरी सिस्टर देखती थी वो मेरे को बोलती थी वीर पचास हज़ार हो गए बीस एक लाख हो गए बीस डेढ़ लाख हो गए मैंने बोला हाँ पर मेरे पापा को अभी भी यकीन नहीं था कि इससे पैसा कैसे कमाते हैं वो वो फिर भी नहीं मेरे से बात करते थे मम्मी भी बहुत चिल्लाते थे तो मैं घर गया और मेरे को पहला एक ऑफर आता है आपको यहाँ पे लाइव करनी है और आपको इतना पैसा मिलेगा तो वो अमाउंट वही अमाउंट था जो मुझे उस यूट्यूबर ने बोला था ओके ठीक तो है तो आफ्टर मैं बोल सकता हूँ कि एक साल बाद मुझे वो अमाउंट मिला मैं घर गया और ए से विदड्रॉ करा मम्मी के पास गया मैं, मैंने

दस मिनट तक हम रोते ही रहे एक दूसरे को देख के रोते रहे हंसते रहे रोते रहे हंसते रहे बस दस मिनट तक कुछ कोई कुछ नहीं बोल रहा था हम बस रोते रहे और हंसते रहे बस कि हंसी इसलिए थी कि कुछ अचीव किया है रो इसलिए रहे थे कि इतना टाइम बाद हमने मतलब मम्मी ने कभी ऐसा दिन का पचास रुपये भी नहीं देखा था उस टाइम पचास रुपये भी ऐसा होता था कि बचा बचा नहीं था पर ठीक है फिर उसके बाद मेरे फादर आए मेरे फादर को वो पैसे दिखाए मेरे पापा भी खुश हुए उन्होंने मुझे गले लगाया वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे एंड धीरे धीरे फिर कोविड जब आया तो मेरे फादर एकदम ड्राइवर उस टाइम थे तो घर पे बैठते थे, थे और बहुत टेंशन में थी कि पैसा कैसे भरेंगे क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी वो इंस्टॉलमेंट्स पे थी तो किस्तें भरनी थी उन्हें तो टू पॉइंट फाइव के अराउंड बचा हुआ था तो वो सोच रहे थे कि अब प्रॉब्लम हो गई तो तब गेम ही वो चीज़ थी जिसने मेरे को सपोर्ट किया फिर गेम से मैंने बोला टेंशन ही लेने का ये लो और पूरा एक बार में क्लियर कर दो उन्होंने वो पूरा एक बार में क्लियर करा फिर मैं वापस चला गया कि मैं नहीं रहता था साथ में मैं अलग फ्लैट में रहता था मैं और देव तो एक प्राउड वाली जो फीलिंग पता वो मेरे को कब आई जब मम्मी और फादर बैठे हैं और हमारे गांव से कॉल आता है मतलब हमारे पिंड से कॉल आता है तो वो पूछते हैं कि आज बहुत खुश है क्या हो गया बहुत खुश खुश हैं तो डैडी ने बोला कि मेरा पुत कमाने लग गया है तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ एंड मेरी मदर ने जब मुझे बताया मैं बहुत खुश था कि मेरे पापा मेरे पे प्राउड फील करते हैं और बस ये था इसलिए वो मेरे को फन लगता है यह yeah, आज फन लग रहा है बट uh, आपकी स्टोरी जो mm. पूरी आपने बताई आई थिंक दैट गिव मी गूज बम्स द मोमेंट यू सेड के आपके मॉम को आपने हैंडओवर कर दिया वो मनी एंड आपको रिएक्शन नहीं पता हंसना है रोना है क्या करना है एंड कांग्रेचुलेशंस सम पार्ट्स ऑफ द स्टोरी मुझे लगता है मुझे आज पता चल रहा है दो ढाई साल से आपकी जर्नी में मैं साथ में फॉर द फ्री फायर प्लेयर बट उससे पहले काफी लंबी स्टोरी थी नाउ इफ द फन इज सो स्ट्रगल बट इट्स अप टू यू आपकी की स्ट्रगल जानना चाहेंगे uh, मैंने भी कुछ ऐसे ही स्टार्ट किया था uh, उस टाइम पे लाइक like, अप लो, लोग अपन लोगों का घर तो था ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था इतना बट स्टिल मेरे फादर इतना नहीं अर्न करते थे एंड uh, हम लोग हमारा एक कमरा था हम उधर ही रहते थे सारे मैं मेरी दो सिस्टर एंड uh, मम्मी पापा एंड uh, मेरे पापा का थोड़ा मतलब प्रॉब्लम था वो मतलब लड़ते रहते थे ऐसा वो तो सबके फैमिली में ही चलता है हाँ थोड़ा पैसों का इशू था दिखता था वो बिकॉज जिसके पास मतलब लाइक घर में पैसा नहीं होता तो फिर उसी बात पे घर वालों की लड़ाई होती है कि ये ट्यूशन की फीस कैसे जाएगी स्कूल की फीस कैसे जाएगी तो उस चीज में मतलब कुल मिला के मेरा जो बचपन था वो में ही बीता मतलब घर वालों की लड़ाई देखते देखते तो अच्छा भी नहीं लगता था लड़ते रहते थे घर वाले एंड मतलब, मतलब मेरी मम्मी भी मेरे को बोलती थी तू कर कुछ मतलब उनकी उनकी उम्मीद मुझसे ही थी तो वो मेरी बहनों को थोड़ा कम ट्रीट करती थी मेरे को थोड़ा ज़्यादा ट्रीट करती थी मतलब ऐसा नहीं प्यार नहीं करती थी उनसे भी प्यार करती थी फेवरेट चाइल्ड हाँ <coughs> तो फिर मैं पढ़ाई में मतलब लाइक एट तक तो मेरे को ठीक था कि हाँ चलो पढ़ता हूँ एट तक मैं अच्छा भी था एटथ तक पढ़ाई भी अच्छा कर उसके बाद जब नाइन्थ टेंथ में आया फिर मम्मी ने बोला कि प्राइवेट स्कूल में तेरा करा देती हूँ जैसे तैसे करके तो मतलब लड़ाइया चलती रही थी तो मैंने बोला नहीं यार मम्मी छोड़ो आप मैं काम करता हूँ सरकारी में पढ़ता हूँ गवर्नमेंट सही है ठीक है चलेगा मेरे दोस्त सारे इधर है तो मैं कर लूँगा तो मैं उधर गया पढ़ा फिर एक साल में नॉर्मल रहा स्कूल में उसके बाद फिर मेरा मन नहीं लगा स्कूल में क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में क्या रहता है उस टाइम उस टाइम पे क्या मतलब ज़्यादातर अभी का मेरे को पता नहीं है बट हाँ मेरे टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल में रहता था कि मतलब लोग लड़ाई वगैरह करते थे या आ, कुछ उलपटांग हरकतें करते थे स्टैप का कुछ तो एक साल में पढ़ा उसके बाद फिर मैं बंक करने लग गया मैं था एक साल पूरा अपने क्लास का ठीक है फिर मैं बंक करने लग गया मतलब मैं उसके बाद चले जाता था डायरेक्ट गेम की शॉप पे वहां पे गेम खेलता था जैसे लाइक दस रुपए के पूरा दिन मैं वहां पे स्पेंड कर देता क्योंकि मैं काफी अच्छा खेलता था तो उधर ही खेलता रहा कौन सी गेम रह, खेल रहे थे तब भी टेकन टेकन ओके तो उसी में मेरा टाइम पास होता था मेरे दो दो ढाई साल वहीं पे बीते हैं काफी प्रो प्लेयर बन गया था उधर का मैं तो लोग मेरे पे बैट करते थे कि ये जीतेगा ये जीतेगा oh तो उसमें ऐसा रहता था कि मेरे को भी थोड़ा फायदा होता था लाइक वो मेरे को कॉइन्स वगैरह परचेस करके दे देते थे तो उसके बाद फिर क्या रहा कि मैं ट्यूशन भी बंक करने लग गया मतलब पढ़ाई से मेरा ध्यान पूरा हट गया था तो अब घर पे मतलब घर वाले को पता लगा हाँ। क्योंकि मैं घर से थोड़ा पैसे वगैरह भी चुरा लेता था व्हाट एक्चुअली <laughs> मेरी मम्मी के पास लास्ट महीने के कुछ दस पंद्रह दिन बचे थे और मेरी मम्मी पे सिर्फ पाँच सौ रुपये पड़े थे सिर्फ पाँच सौ रुपये उसमें हमारा सिर्फ लाइक पूरा खाना वाना सब उसी में था तो मैं वो पाँच सौ चुरा के गेम खेला और तो लाइक पाँच सौ रुपये चुराए सो गेम खेला फिर चार सौ रुपये रख दिए फिर चार सौ चुराए रुपये धीरे धीरे बढ़ती गई ईमानदार चोर था <laughs> <laughs> तो वो मैं चोरी करके गेम खेलता था क्योंकि मेरे को था कि मेरे को खेलना है और मेरे को उतना पैसा भी नहीं था तो मैंने थोड़ा सा गलत तरीका अपनाया बट हाँ मेरे को उसके लिए बहुत पिटाई पड़ी अच्छा। मारा फिर मैं फिर भी नहीं सुधरा मैं मैं फिर वही करने लग गया फिर मैं कभी दादी के पैसे चिरा लेता था कभी दादा के गेम खेलना था मारती थी एक दिन तो मेरे को इतना मारा कि मैं मतलब मैं ट्यूशन बंक करके गेम खेलने गया था अब मेरे को मेरे साथ जो मेरा दोस्त गया था उसने मेरे घर पे बता दिया जबकि वो मेरे साथ बंक मारता था अब मैं उसके साथ एक दिन आया नहीं

बट हाँ स्टिल मैं खेल रहा था अपना एंजॉय कर रहा था गेम को मम्मी आई मम्मी ने ऐसे हाथ करा और मैं बचने के लिए ऐसे हुआ वो जो गेम का पूरा शीशा होता है ना जो प्रोटेक्शन के लिए लगा होता था वो पूरा तोड़ गया मेरे सर में खून खून फिर मैं वहाँ से अपना लाइक मैं भाग गया वहाँ से तो गेम वाले ने मेरे को यूँ पकड़ा मैंने जैकेट वैकेट छुड़ाया वो भगता हुआ गया घर पर मेरे दादी को सब कुछ बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे क्लास मतलब ट्यूशन ले जा रहा था और ये करा वो करा दादी ने कहा कोई दिक्कत नहीं बैठ तू कुछ नहीं करेगी तेरी मम्मी मेरी मम्मी आई गुस्से में और मुझे बहुत गद्दार धोया लेटा लेटा के लेटा के चाटे, नह चाटे। <laughs> तो मैं क्या? मैं क्या डर के मारे भाग गया छत पे भागा बहुत स्पीड में तो एक दो छत कूद के किसी पड़ोसियों की छत के बाथरूम में जाके लॉक कर लिया अपने आप को और मेरे को अंधेरे से बहुत डर लगता है मतलब अभी भी लगता है हाँ उस टाइम पे भी लगता था बट वो मम्मी का डर ज्यादा था उस टाइम अच्छा। फिर भी मैं बंद हो गया दो घंटे वहीं बंद रहा बोता रहा सोचता रहा क्या करूँ घर जाऊँगा तो मम्मी मार डालेगी वो फिर मैं थोड़ी देर मम्मी मेरे को ढूंढ रही मतलब वो दो ढाई घंटे घर वालों ने मेरे को ढूंढा इधर उधर कहाँ चला गया फिर लास्ट में मेरी मम्मी आई छत पे और मैं ऐसे उसकी बालकनी में खड़े हो गए नीचे जागरण चल रहा था मैं देख रहा था उसे कि हाँ चलो अब अंदर बहुत घुटन हो रहा था मैं थोड़ा हवा खाने आया बाहर तो मम्मी ने मेरे को दूर से देख लिया और मैं फिर मम्मी बुला रही मेरे को कह रही आ जा नहीं मारूँगी आ जा मैं डरता डरता गया फिर मम्मी ने मेरे को नीचे ले गई खाना खिलाया प्यार से सुलाया प्यार करके सो गया फिर उसके बाद क्या वापस से मैं मतलब गेम तो मैंने छोड़ा नहीं गेम मैं खेलना चालू था फिर ऐसे करते 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 ट्वेल्थ पहुंच गया मैं ट्वेल्थ में ट्वेल्थ तक मैं उस गेम को कंटिन्यू करा उसके बाद फिर मैंने दूसरा गेम ट्राई करने की कोशिश करी बिकॉज मेरे को गेम्स का शौक़ था मेरे मोबाइल नहीं था तो उस टाइम पे मोबाइल गेम पॉपुलर हो ही रहे थे मतलब जस्ट लॉन्च ही हुए थे ठीक है तो सबसे पहला जो गेम मैंने सुना था वो था पबजी तो मेरे पे एक मेरी मम्मी ने मेरी मम्मी पे एक फोन था तो मैंने मम्मी का नहीं मेरे बुआ का एक फोन था जो काफी ज्यादा टूटा हुआ था लाइक उसकी स्क्रीन वो फोन शायद आज भी होगा मेरे पास वो लाइक होता है ना एक पूरा स्क्रीन टूट के शटर हाँ, हो चुका है पूरा लेकिन हाँ टच काम कर रही है ओके okay. चल रहा है ऐसा नहीं चल नहीं रहा बट हाँ पूरी स्क्रीन खराब हो गई तो मैंने उस फोन में उसे डाउनलोड करा वो शायद सैमसंग का कोई फोन था आ, हाँ तो उस पर मैंने डाउनलोड करा एंड बहुत कोशिश करी उसे चालू करने की कि गेम चल जाए डाउनलोड हो गया बट गेम नहीं चली oh. तो मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं बचता था फिर मेरा फोन तो था नहीं एंड घर पे भी किसी में इतना अच्छा फोन नहीं था कि मैं डाल के उसे खेल लू hmm. तो फिर मैं ऐसे वापस वापस अपना आर्केड पे आ गया okay. फिर मेरे को एक गेम पता लगी जिसका नाम था फ्री फायर तो मैंने उसे चालू करा खेला मेरे फोन में चल गया था वो टूटे फोन में वो चल रहा था hmm. हाँ, मैं गन्स वगैरह ले पा रहा था एकदम तो मस्त खेल पा रहा था दोस्तों के साथ बातें कर पा रहा था मुझे अच्छा लगा तो मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था राजू उसके साथ मैंने स्टार्ट किया था वो काफ़ी अच्छा खेलता था मुझसे अगर वो अभी के टाइम पे होता तो वो हम में से भी हम में से एक होता लाइक वो भी काफ़ी अच्छा खेलता था तो उसने छोड़ दिया बीच में मैंने तो उसके साथ चालू करा खेला 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 फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा अच्छा खेलने लग गया तो मेरे को चाहिए था फ़ोन अब मेरे को फ़ोन नहीं था और मैं था बहुत जिद्दी मैंने घर पे बोला कि मम्मी मेरे को फ़ोन चाहिए प्लीज मम्मी ने कहा नहीं नहीं है पैसे अब लाइक मेरे पापा महीने का कुछ फाइव थाउजेंड अर्न करते थे ठीक है मम्मी भी, भी जॉब करती थी वो भी कुछ टू थ्री थाउजेंड अर्न करती थी किसी फैक्ट्री में जॉब करती थी तो इतना नहीं हो पा रहा था बट स्टिल हाँ मेरे दादा वगैरह थे जिनकी वजह से मतलब लाइक इतनी प्रॉब्लम नहीं आई लाइफ में क्योंकि उन्होंने एक घर रखा हुआ था उसमें चाचा चाची हम लोग सारे जॉइंट फैमिली रहती थी तो वो मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा चीज था मेरे लिए तो रेंट वगैरह में फिर मम्मी ने बोला नहीं दिलाऊंगी तो मैंने खाना नहीं खाया दस दिन तक नहीं मैंने कुछ नहीं खाया आठ नौ दिन मैंने कुछ खाया ही नहीं पानी पिया या नॉर्मल दादी ने कुछ दे दिया मेरे को वो हल्का फुल्का मैंने खाया मतलब प्रॉपर मैंने पेट भर के नहीं खाया फिर मम्मी ने मेरे को मारा मतलब मारा नहीं मेरे को डांटी चिल्लाई लड़ने, लड़ने लग गई नहीं मम्मी मेरे को चाहिए मेरे को करना है प्लीज से वो। जैसे तैसे मम्मी ने कहा चल मम्मी ने एक मेरे को फोन दिलाया मम्मी की जितनी सेविंग्स थी जितना सब बचा के रखा हुआ था वो सारा मम्मी ने मतलब लाइक मेरे लिए निकाल दिया मेरे को मतलब मेरे को उतना

काफी अच्छा खेलने लग गया वीडियोस वगैरह बनाने लग गया फिर क्या कर रहा है, तेरे को। मम्मी, प्लीज यार, देखो है ना फिर मैं एग्जाम्पल देता रहता तो मम्मी देखो ये यूट्यूबर है देखो ये टर्न करता है ऐसा ऐसा ये वो कह रही कुछ नहीं रखा इनमें पढ़ाई कर ये वो मतलब तो बोलती रहती थी रोती रहती थी फिर मेरे मेरा मतलब पढ़ाई से ना मेरा मन उस टाइम पे हट गया था मेरे को गेम्स में ज्यादा इंटरेस्ट था तो मैंने चालू कर दिया मैंने कहा नहीं मम्मी खेलूंगा फिर लॉकडाउन लॉकडाउन मेरी किस्मत वही से बाकियों के लिए लाइक था हाँ कर्ज था लेकिन नहीं मेरे लिए वो सबसे बेस्ट पार्ट था मैं मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया था बी कर रहा था मैं फर्स्ट ईयर था बट मैं एक ही बार कॉलेज गया था बस कि कॉलेज कैसा होता है देखने उसके बाद मैं कॉलेज गया ही नहीं फिर हाँ उसके चार पाँच महीने तीन चार महीने बाद लॉकडाउन पड़ा था तब तक मैं अपना कॉलेज बंद कर रहा था तो उधर घूम रहा था फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी मेरे को ना एक साल दे दो अगर एक साल में मैं कुछ नहीं करता ना तो आप जो बोलोगे ना मैं वैसा करूँगा ठीक है उससे पहले मम्मी ने मतलब मैंने खुद से एक लाइक like, वो था ना किराने की दुकान होती है आ, तो मैं उस पर गया था जॉब करने कि हाँ, हजार, हजार मिलेगा, या मिलेगा, मैं मैंने कहा सर मैं लंच करके आता हूँ अपने घर से उसका मैं गया, गया ही <laughs> मतलब, मतलब, <laughs> मैं गेम ही खेलूंगा मैंने मेरे घर वालों से एक साल मांगा उसे एक साल में मैं फिर जॉन्टी भाई से मिला

रॉकी ने बोला कि यार जॉन्टी गेमिंग फ्री है उनके पास टीम नहीं है कोई वो रैंडम बंदों के साथ खेलते हैं बट उस टाइम पे मैं इनको जानता था एंड ये लाइक like, ग्लोबल में टॉप वन पे थे उस टाइम पे मोस्टली सारे प्लेयर उस टाइम पे जानते थे सारे यूट्यूबर जानते थे बिकॉज सब इनके नाम से लाइक इनको यूज करके लाइक मतलब हाँ सबकी वीडियोज में मेरे को ये दिखते थे कि जॉन्टी गेमिंग टॉप वन प्लेइंग विद जॉन्टी गेमिंग ऐसा ये मतलब बहुत पॉपुलर थे उस टाइम पे मैंने कहा ठीक है मैं खेल लूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है और दूसरा ये अपनी आई जी के लिए भी काफी पॉपुलर थे बिकॉज रैंडम बंदों को लेके ये टॉप टू टॉप थ्री में फिनिश करते थे तो मैं इनके साथ खेला अब इनको भी मेरे बारे में शायद पता था क्योंकि उस टाइम पे प्रो प्लेयर्स के आ, हाँ, मैं मैं भी था तो ये मेरे को जानते थे हम स्टिल खेले साथ में दो रैंडम बंदे थे कोई और हम दो थे तो उस दिन हम लोगों ने बहुत गंदा मारा सबको तो जॉन्टी आई भी खुश हो गए

मैंने कहा जॉन्टी भाई से जॉन्टी भाई दो जॉनटी ने मुझसे पूछा कि यार कौन से प्लेयर ले रहे थे मैंने कहा जॉन्टी देखो इस टाइम पे दो प्लेयर ऐसे हैं जो अपनी टीम में रहेंगे तो अपनी टीम अलग लेवल पे जाएगी आइकॉनिक और किलर उस टाइम पे टीम के ओस में थे शायद वो टी सी में थे ना हाँ टीसी में थे उन्होंने yes. तो कहा नहीं वो दोनों नहीं आएंगे क्योंकि वो टीसी में है तो मैंने कहा ठीक है फिर मैंने सजेस्ट किया मैंने कहा जॉन्टी भाई मेरे को मिस्टर जैची है

इन्होंने बोला कि नहीं मेरे को वो नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत अकड़ू है और गाली गलौच करता है कि भी थोड़ा ऐसा है ना कि वो लाइक पहले तो किसी पे भी चढ़ जाता था, तेरी ये, तेरी वो था। तेरे को मैं मैंने कहा ठीक है फिर क्या फिर रात होती है इन्होने कि किलर आ मान गए टीम में आने के लिए फिर वहां से हमारा स्टार्ट होता है जर्नी हम सी में गए टीम को लेके सीआरएक्स आर वालों ने हमारा ट्रायल लिया ठीक है वो स, पूरी सब के सब उनके जो भी मैनेजमेंट पे थे सब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया हमारे लिए और उस पर हम लोगों को खिलाया कि तुम खेलो और हमें दिखाओ कि तुम तो हमारे क्या कर सकते हो हमने छः के छः मैच मतलब ऐसे खेले जो उस टाइम पे शायद ही कोई टीम होगी मतलब अभी भी शायद ही कोई टीम होगी जो इतना स्कोर कर मतलब बहुत अलग ही लेवल मारा हमने वो छह मैचेस जिसे कहते हैं ना खुल के खेले सबको मतलब तो कहीं भी जा रहे हैं किसी को भी फेल रहे हैं किसी को भी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सब एकदम तो डिस्ट्रॉय कर दी पूरी लॉबी तो सब खुश हो गए फिर हमने सीआरएक्स ज्वाइन करी सी आर में हम लोग साथ में रहे खेले लड़ाई झगड़े हुए बस उतना ही था उसके बाद फिर हम ओजी में आए

एक रेंगटन करके है उसका कुछ प्लान्स है एंड काफी अच्छे प्लान्स है एक बार सुन लो तो मैंने बोल दिया नहीं मैंने मैंने पहले मना कर दिया मैंने कहा नहीं यार क्योंकि हमारे प्लान्स कुछ और थे हम हमारे प्लान्स थे कि हम एक फ्लैट लेंगे वहां पे हम लोग सारे साथ में रहेंगे अपना जो भी अर्न करते हैं उसमें से कुछ पार्ट वहाँ पे लगा के हमने ऐसा पूरा लिस्ट बना लिया था कि बीस में हमारा ये राशन हो गया ये हो गया फला टिमकाना तो हम साथ में रहेंगे इंडिपेंडेंट खेलना चाहते थे हम उस टाइम पे फिर क्या सीन होता है कि आइकॉनिक ने वापस बोला कि यार एक बार सुन लो तो मैंने कहा ठीक है नहीं सबसे पहले ऑफर आया हाँ। टीएसएम से ओके टीएसएम के लिए आप उस टाइम उनका मैनेजर थे सिड भाई ओके हाँ जी तो वो मेरे पास आए हाँ। बोले कि ऐसा ऐसा है। मैंने कहा मेरे को बात नहीं करनी क्योंकि हमारा सीआरएक्स में उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था अच्छा क्योंकि देखो फ्री फायर में ना शायद ही कोई आ, टीम थी जो ऑर्ग में गई थी पहली बार जिसको मतलब सैलरी बेस पे किसी ने रखा था हम पहली ही टीम थे शायद हाँ जिसको सैलरी दे के जो हाँ खेल थे रहे थे ठीक है तो हमारा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि हमें ऐसा बूटकैंप नहीं मिला था ओजी जैसा हमें बस था वो 3vh के वो सब था और वहीं पे सब पर एट द एंड इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था तो हमारा मन उठ गया था कि हमें नहीं करना है hmm. तो मैंने पहाड़ी ने बोला हम तो है ही यार तो बाकी उन, उनका भी इतना अच्छा ग्रो चैनल नहीं था बट मेरा और पहाड़ी का था तो हमने सोचा क्यों नहीं एक घर लेंगे और हम खुद रहेंगे क्योंकि हम लीट हैं यार हम हमको जानते हैं फैंस हमें सपोर्ट करते हैं तो अच्छा है हम कर सकते हैं यार क्यों नहीं करेंगे लेकिन फिर ऑफ़र आया एंड सबसे पहले हेज हेज़बाई आए इस भाई ने बोला कि ऐसा ऐसा है कॉल पे आते हैं मैंने कहा नहीं करनी बात मना कर दी उन्होंने बोला बात तो कर लो मैंने बात ही नहीं करनी हम अपना करेंगे हमारा प्लान जो है हम वो करेंगे अच्छा। सबसे पहली बात यही हुई थी फिर क्योंकि हमारा था कि हमें अब ई e स्पोर्ट में ही करना है ठीक है इसका था ड्रीम कि इसको वर्ल्ड सीरीज में जाना है अच्छा और वहां जाना है तो सबका वही था फिर नहीं माने हम नहीं माने लेकिन भाई को चाहिए था कि ये टीम आए क्योंकि उस टाइम हमारा डोमिनेशन बहुत ऐसा था कि आसपास भी नहीं था मतलब हर में हमारा से ऊपर स्कोर होता था जी। फिर ओनर आए उन्होंने बात करी मैं इसलिए माना क्योंकि उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि उनका ड्रीम है ई स्पोर्ट और वो हमें ऊपर देखना चाहते हैं और हमारा ड्रीम था ई स्पोर्ट हम ऊपर जाना चाहते हैं तो बस सिर्फ एक वो लाइन थी जब उन्होंने बोला ना कि

वो बहुत मतलब स्टार्टिंग से बनाई थी और इतना हमारा अच्छा था और मतलब आइकॉनिक का भी फैमिली वही था वो नहीं खेलने देते लेकिन हम सब ऐसे आए थे और हमने इतना अच्छा किया था लोग हमें प्यार करते थे तो इसलिए फिर जब टीम को टूटते हुए देखते हैं ना तो नहीं यार अगर तुम जा रहे हो तो फिर मैं क्या करूँगा तो वो फिर मेरा भी मन उठ गया कि नहीं यार मैं नहीं करूँगा

ऐसा रहता है ना जितना भी मतलब कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो हमने फालतू में कुछ चीजें ऐसी करी हैं कभी कभी रियलाइज होता है कि नहीं यार ये नहीं करना था लेकिन हाँ उस चीज को काफी अच्छे तरीके से हैंडल करा ओजी ने एंड समझाया हम लोगों को कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। है एंड सबसे अच्छी बात ओ जी में आने के बाद की वजह से कह सकते हैं

हम पार्ट हैं अब हम जहां भी जाएंगे वहां ओजी का नाम जा रहा है तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है रेज स्टोरिया कि सबसे ज्यादा जिसमें आपको गुस्सा आ गया हो एंगर आ गया हो कोई एक मेरे लिए तो एक ही मेरे लिए रेज स्टोरी थी मेरा मेरा एक फिफ्टी थाउजेंड का मोबाइल था मैं उस पर गेम खेलते था आई फोन प्लस ठीक है उस फोन पे मैं गेम वो फोन लिटरली मेरे को बहुत पसंद था बिकॉज वो फोन नया था एंड जितने भी प्रो प्लेयर्स वगैरह वो सारे उसी पे खेलते थे तो मैं उस पे गेम खेला था के साथ मेरी लड़ाई हो गई और इतनी गंदी लड़ाई हम लोगों के बीच में कि तू ये तो ऐसे कभी हाथ पाई नहीं हुई हमारे बीच में किस बात पे लड़ाई हुई है कि तूने कवर नहीं दिया तूने वो नहीं करा बस इतनी बात हुई है दोनों के बीच में बस वो बात आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई हम दोनों एक दूसरे को बोलते जा रहे मतलब ऐसा गालियां दे दी एक दूसरे को गंदी गंदी और पता है मेरे को दे दी बैठा है और, और दोनों <laughs> मेरे को, मेरे को मतलब रोना आ गया मैंने कहा नहीं चेन हो तेरे को मैं, मैं ऐसा, ऐसा पटक दिया पूरा फोन और दोबारा उठाया फिर दोबारा पटक दिया इतना गुस्सा था दो बार पटका और वो मेरे को ऐसे देखता रह गया मैंने कहा जा रहा हूं मैं घर मैं बैग वैग उठाया सब पकड़ा भाई आए, जौन्टी भाई आया रुक जाओ जाओ मैं को धक्का दे दिया मैंने चुपचाप चले गए <laughs> <laughs> सारे सारे <laughs> <laughs> चुप हेडिस को कॉल करा हेडिस पहाड़ी भाग जा रहा है घर से लड़ाई हो गई है और ये कुछ मतलब मस्त एकदम डेजर्ट वेजर्ट खा रहे थे रेस्टोरेंट पे

फिर शाम को फिर लड़ाई हो गई फिर दोनों अपने रूम में बैठे हैं फिर तीन दिन बात नहीं करेंगे फिर गेम होएगा फिर गले मिलने लग जाएंगे हाँ भाई चलो दोस्ती Uh, फिर सेटलमेंट हो जाता था ऑफ कोर्स तो ऑन द ऑन द गुड नोट आई थिंक व्हाट्स इन द ग्रेट का सेगमेंट अभी के लिए हो गया है खत्म काफी ज्यादा इमोशनल जर्नी रही काफी ज्यादा एंथुजियास्टिक जर्नी रही और अभी तो जर्नी हैज जस्ट बिगिन अब चलते हैं थोड़े से रैंडम क्यू एन ए पर एंड दिस क्यू एन ए दिस इज नॉट द शॉर्ट्स फायर इसके uh, लिए ये ऐसे जनरल हम बातें करेंगे क्या है क्या नहीं अबाउट द गेमिंग कम्युनिटी आईजीसी कितना चेंज हो गया है well,

ठीक है हमने अचीव करा है लेकिन वो ट्वेंटी परसेंट है एंड अभी बहुत आगे जाना है और हम वेट कर रहे हैं कि गेम आए मतलब हमारा सपना ना एक अधूरा है अभी कि हम दो बार क्वालिफाई करें हैं वर्ल्ड सीरीज के लिए बट हम जा नहीं पाए हमने कभी मतलब इंडिया से मेरे को नहीं लगता अभी तक किसी ने हाँ एक टीम ने लिया है पर वो बहुत पहले जब तो इतना अच्छा नहीं था क्योंकि तब तो ऑफिशियल्स भी इतने नहीं थे पिछले वन ईयर में आए थे लेकिन फिर वो बैन हो गया तो हमारा ये है कि हम क्वालिफाई हुए लेकिन हमें वो वर्ल्ड सीरीज़ वाली एक फील होती है ना कि हम बैठे हैं और वर्ल्ड के चैम्पियंस बैठे हुए हैं और हम यूँ बैठ के देख रहे हैं खेल रहे हैं एक एक्सपीरियंस लेना है वो अभी तक वो वाला फील नहीं आया और हम चाहते हैं कि वो आए और हम कहीं ना कहीं इंडिया को ऊपर की तरफ दिखाएं और एक प्राउड से खड़े हैं और वहाँ वो भी खड़ी है हम भी खड़े हैं वो अभी भी अधूरा सा है खुदा तो आई जब आपने शुरू किया था आपने सोचा था कि आप ये लेवल पर आ जाएंगे बिकॉज एक टूटे हुए स्मार्टफोन से स्टार्ट करना टू द डे वेर आपको जो बेस्ट पीसी मिल रहा है स्ट्रीमिंग के लिए टू दैट कि आप आई डोंट नो कौन से फ़ोन में आजकल आप खेल रहे हैं फ्री फायर है? अभी थर्टीन प्रो मैक्स मेरे तो चेंज होते रहते हैं थर्टीन फोर्टीन Android। मैं अब तो मैं आ, कुछ भी ले लेता हूँ अच्छा आप चेंज चेंज करते रहे मतलब वो उससे स्टार्ट किया था

आप रिटालिएट करते हैं कि नहीं मैं क्या बोलूंगा उसे उस टाइम पर वो बातें ही ऐसी बोल देता है हाँ <laughs> वो भाई वो पॉइंट मार देता है कि उसके बाद फिर खत्म उसका कुछ नहीं बोल सकते हम तो पॉइंट मार देता है मतलब दिल पे चुभने वाली बातें ऐसे कहते हैं ना ऐसी बात बोलो दिल पे चुप जाती है जाके आई थिंक दिस इज इट व्हाट्स इन द क्रेट हम फिर अब चलते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेगमेंट फॉर द स्टोरी मोड वो होगा शॉट फायर

मनाली हाँ, मनाली जहाँ पहाड़ मेरे को वो जगह पसंद है तो आपकी तो तो फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन इज मनाली ऑब्वियसली वहाँ पहाड़ है हाँ तो मनाली ठीक है तो फिर आपको ड्रिंक नहीं पीनी नेक्स है नेक्स्ट इज जॉन्टी भाई का फेवरेट कलर ब्लैक गलत ब्लू One. ये वाली पी ले <laughs> ये वाली पी ले ये वाला पी फटाफट ये 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 पी पी ये पी पी के तो देख अबे ब्लू है भाई सही में पी तो हमारे बीच में क्या बात हुई थी धोखा <laughs> पीना <एच्छा। laughs> नाक बंद करने का <laughs> मेरी में कैंसिल करो ये में रख दो नेक्स्ट क्वेश्चन पहाड़ी का फेवरेट फेस्टिवल मीठा मिलेगा पहाड़ी का फेवरेट फेस्टिवल होली नाथ होली 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 गलत स्क्वायर कौन सा है गलत होली पंद्रह अगस्त वो फेस्टिवल नहीं है वो फेस्टिवल नहीं है रख नहीं नहीं भी रख दिवाली दिवाली नहीं नहीं गलत दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है उस दिन हम लोग दिए जलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं पतंगे तो उड़ाते ही नहीं नहीं ये ना भाई नहीं है अरे क्या आपको <laughs> oh! <laughs> 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 hmm. बताना है लॉयर 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 आंसर लॉयर आंसर लॉयर आंसर लॉयर आंसर लॉयर बी लॉयल लॉयर लॉयर जॉन टी का एक फेवरेट पर्सन और एक सबसे कम पर्सन सबसे कम फेवरेट लीस्ट फेवरेट पर्सन

तो कौन है लीस्ट फेवरेट है आंसर दो लीस्ट फेवरेट में है कोई जिसने कभी मेरे से धोखा किया है मैं नाम नहीं लूंगा नाम लूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी उसके साथ अच्छा। वो है बहुत बड़ा क्रिएटर है फ्री अच्छा। फायर का बहुत बड़ा क्रिएटर है सबसे बड़ा क्रिएटर है तो नाम मिल चुका है हाँ तो बस मैं नाम नहीं लूंगा बट वही है उससे मैं बहुत अलग ही खुंदस खाता हूं नहीं आई आई नॉट अलाउ यू टू ड्रिंक हाँ। क्योंकि आपने एक राइट आंसर हाँ, दे दिया ठीक है देखो मैं लॉयल दिया तू भी लॉयल देगा पहले हाँ। बता रहा हूं तू सीधा नहीं आम क्वेश्चन बोला नहीं तो उन गलत है हाँ, गलत, गलत, गया, गलत, गया, गलत, गया, गलत गया, करता है सीधा बोल पहाड़ी की फेवरेट मूवी कोई भी नहीं टू कोई भी नहीं कोई भी नहीं अरे मूवी नहीं देखता नहीं देखता नहीं देखता मूवी नहीं देखता ना मूवी सीरीज नहीं देखता ये जॉन्टी भाई का फेवरेट फूड 1 2

अरे यार ये Cheers, ले ले भी कर लूँ आ, ले चल ले, बस देखा, मैं बता रहा इसको है? है। है, फेवरेट फूड फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन चिकन इट्स करेक्ट इट्स करेक्ट चिकन correct.

सही लग रही लॉयल आंसर देना मैं लॉयल देना ये गलत करेगा तो थो, थोड़ी होता है पहाड़ी का फेवरेट रील सॉन्ग ऑन द लूप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तू करना चाहती ग्राइंड ए यार देख जुड़ने दो देख भाई ने जुड़ने दो जुड़ने दो कौन सी बता कौन सी है आपको बताना होगा कौन सी फेवरेट रील मेरी सबसे फेवरेट रील पतली कमरिया

फेवरेट सॉन्ग जॉन्टी भाई का जॉन्टी भाई का फेवरेट सॉन्ग hmm. मुझे पता है uh -huh. One, नहीं count मत two, करो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन गणपत टेन गणपत गलत गलत कौन सा है आपको मेरा कोई फेवरेट सॉन्ग ही नहीं है नहीं नहीं नहीं, नहीं तो भी आपको बताना गलत फे... गलत नहीं हो पाएगा फिर क्वेश्चन गलत मेरा मेरा फेवरेट सॉन्ग है ना ओम शांति ओम झूठ अभी अभी क्या बोला इन्होंने मैं अगर इन्होंने बोला कि मेरा फे... कोई फेवरेट सॉन्ग नहीं है कैंसिल नहीं मेरा कौन सा कैंसिल मैं अगर कहूं तुम गलत अभी ये मेरे को पिलाने की साजिश में भाई हेलो तुम्हें नहीं है कोई

Hello. कौन है कौन है कौन है बताना पड़ेगा शाहरुख खान क्या कर रहा है ये मेरे को पिलाना चाहता है भाई ये मेरे साथ रूटर गलत हो रहा है मैं तो, सलमान खान नहीं था तो वाली। इस बात पे आपको शाहरुख खान का एक गाना गाना पड़ेगा आ, गाना पहले गाना पड़ेगा आप क्योंकि वो तो रंग दे तुमो है गेरुआ गेरुआ रंग की ड्रिंक है अभी ना रंग दे तुमो है गेरुआ पियो कर दो उल्टी ये लो ये मेरी हर ड्रिंक में आंसू आ गए पता है हर ड्रिंक में आंसू आ गए ड्रीम एक्ट्रेस कौन है जॉन टी बाई की वन नोरा ओ, कियारा नहीं नोरा मत। <laughs> कियारा <laughs> कियारा <laughs> नोरा नहीं नहीं, नहीं, नहीं कियारा झूठ बोल रहे ये <laughs> झूठ बोल रहे हैं

ठीक है तो इट्स फाइन अब आपको इसके इसके लिए एंटरटेन करना पड़ेगा खड़े होके इनके लिए डांस मेरी रानी का करना पड़ेगा अग्री एंटरटेन तो करना करेगा अगर बचना है तो डांस मेरी रानी का डांस मेरी रानी दोनों करेंगे नाच नाच ऐसे होता है ये दो तो जल्दी जल्दी अदरवाइज यू विल हैव टू हैव वन हां चलो गो फॉर इट जा कर क्या तुम भी तो हो मेरी मेरी पनिशमेंट थोड़ी है डांस मेरी रानी जॉन्ती भाई की ड्रीम कार फॉर्चुनर यार ये ये इसको पता। इजी 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 है। इसके इसी 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 आ रहे हैं। इस... ठीक है पहाड़ी की ड्रीम कार वन टू थ्री फोर फाइव मस्ट

तो उनका गुस्सा उनका टेंपर कह रहे हैं तो यू हैव टू हैव इट ये तो <laughs> 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 <ब्लैक कोफी> है यार ये यार तुम्हारी बारी भी है क्यों यार क्या कर कड़वा है ब्लैक कॉफी है कड़वा है बहुत कड़वा है

अच्छा तो सही बताई देगा अब <laughs> मेरे से पूछो आप मेरे से पूछो नहीं अभी से पूछो हाँ अब इनसे पूछेंगे अब आप अभी करो से पूछो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अह भाई मंथ अपनी आईडी पर फ्री फायर की आईडी पर कितना एक्सपेंस कर चुके हैं कितनी एक्सपेंसिव है इनकी आईडी अभी तक अभी तक टोटली फ्रॉम द स्क्रैच अंटिल नाउ 5 6 लाख गलत मैं खर्चा ही नहीं करता मैंने दो लाख कराया बस बस दो लाख पांच लाख दो लाख कराया बस चेक कर लियो बाकी मेरे पार्टनर प्रोग्राम से आता है क्या पूछा उनका है पांच छह लाख में तुम्हारी आईडी बिकेगी नहीं बिकेगी नहीं बिकेगी नहीं नहीं खुद से नहीं रूटर से भी पचास हजार रुपए की आपकी आईडी अब भी दो ये मैं पी रहा हूँ <laughs> दो नया किसके लिए पचास हजार दूंगा अच्छी पचास हजार मिले तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है कि मैं तुम्हारी आईडी पचास हजार खरीद के चार पा क्या वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू यू वैल्यू क्या होगी भले पार्टनर प्रोग्राम से डाले पांच लाख पांच छह लाख एक लाख डेढ़ लाख झूठ बोल रहे हैं यार पांच लाख कब की है ने, ने, तो सब कुछ है पार्टनर प्रोग्राम से जो भी आया है

करेक्ट हाँ ठीक है आसपास ही है ठीक है ऑनलाइन अब हम चलते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट के स्टोरी मोड विच इज ऑफकोर्स फ्रॉम रूटर बाय रूटर फॉर द रूटेरियंस और अब के लिए ये गेम है विस्पर चैलेंज यहाँ पर आप रखोगे हेडफोन्स और वो कोई भी एक सॉन्ग विस्पर करेंगे इन करेंगे डांस करेंगे आपको गेस्ट करना है अगर गैस कर लिया फेयर गुड नहीं कर पाए तो यू गेट दी अपॉर्चुनिटी टू गिव अ डेयर न बी एनी थिंग आप डांसिंग दे सकते हैं सिंगिंग दे सकते हैं कॉल चैलेंजेस दे सकते हैं अपने फ्रेंड्स को अपने एनिमी कर सकते हैं ठीक है सो यूलिंग चलेगा यू वी एबल टू हिस्सर वो कोशिश करेंगे आपको गाना समझाने की लेट्स गो चल लेट्स गो फॉर दिल वाले दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे गो फॉर इट दिल दिल, दिल। वाले दिलहनिया दिल वाले कुछ और बता ये समझ नहीं आ रहा चले चलना चलना <laughs> गए <गये। laughs> दिल चुरा लिया दिल टाइम आप टाइम आप टाइम आप टाइम आप दिल वाले दिल दुल्हनिया चल ले जाएंगे

आगे गो भाई आगे। क्या हो रहा है अब अबे लाओ बहुत बढ़िया बहुत क्या अब, बात है अब आपने बहुत बढ़िया पनिशमेंट दे दिया अब आपकी टर्न है प्लीज <laughs> वेयर योर हेडफोन्स <laughs> कोई नहीं दिख रहा हाँ कोई भी नहीं दिख रहा अभी तो कौन सी मूवी रखे कोई भी आप यू कैन यूज एनी ऑफ योर्स आल्सो जो भी आपको लगता है कि वो ना गेस कर कंटारा कर देते हाँ कंटारा कर देते वो तो मुझे भी नहीं आती ठीक <laughs> <से मुझे> है कौन सी मूवी है ठीक है कर दो कर दो इधर देख कान कान तारा 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 आसमान आधा कान, 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 कान तारे कान तारे कान तारा

ना नागेश कर पाए ऐसी कौन सी मूवी देंगे करण अर्जुन कर दो क्योंकि आप नहीं कर पाओगे वो <laughs> कर दो करण अर्जुन मैं तीर बाण, धनुष धनुष बावली, दिल में लग गया तीर <laughs> तीर तीर छोड़ा मैं मैं तुम अर्जुन तीन थोड़ा थोड़ा लिप दे सकते हैं अर्जुन 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 टाइम अप टाइम अप टाइम अप क्या था तीर कौन चला अर्जुन तीर हाँ तो तीर चलाने वाला कौन है अर्जुन अर्जुन मूवी है करण अर्जुन अरे तो करण करण तो करण अर्जुन तो मेरे कैसे थोड़ी समझ आया तो तभी तो मैंने तीर करा कि तुम करण अर्जुन समझ जाओ यार ये समझा गलत पा रहा है मैंने गलत समझा कुछ तूने यहाँ भी ऐसे ऐसे करा तो मेरे को लगा उसमें लगा तीर, लगा तीर में हाँ मैं यू करा अच्छा आपने गंदी acting थोड़ी तो करी थोड़ी अला? तो गंदी acting करी तो you get the opportunity from my side मैं मेरा तो ये है कि भाई बड़े YouTuber को call करो और उसको गाली दो भाई <laughs> बड़े YouTuber को call करो भाई गाली दो मैं अब डेर तो डेर होता है ना तो बड़े YouTuber को call करो भाई उसको बोलो अभी ढंग में रहे हेलो हेलो हेलो

कितने वर्ड का है कितने वर्ड का है एक ही वर्ड का नहीं लड्डू रोटी पान विमल <laughs> नहीं पान थान थान कैसे करोगे बोलो जुबा केसरी नहीं लड्डू चैनी खैनी शराबी नसेड़ी खाई क्या पान ने बना रहा सला प न पर खत्म टाइम ऑफ़ टाइम ऑफ़ टाइम अबे अबे नुबड़े पठान पठान क्या ये गुड अबे तो पा पान करता ना पा अपठान क्या करता मैं पठान ऐसे करते हैं पठान <laughs> वो सुल्तान होता है सुल्तान होता है वो अच्छा। मैं भी ये करेगा ना सुल्तान का उल्टा ऐसे कर देते हैं चलो अभी आप, आप गेस नहीं कर पाए तो पनिशमेंट कुछ भी जो डांस सिंगिंग रीलिंग एनीथिंग कैसे एक काम करिए पहले थोड़ा करके ठीक है कौन सी मूवी करेंगे शायद हीरो बनती हम साथ साथ हैं हीरो पंती कैसे होगी हीरो को कैसे करूँ मैं हीरो हीरो तू हीरो हीरो मैं हूँ हीरो मैं कौन हीरो मैं 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 मैं, मैं, मैं। तू दो 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 एक? एक एक हाँ दो ही पहला मैं पाड़ी दो वर्ड किए ना हीरोगिरी कैसे करते हैं हीरो परेशान ना क्या आया है बॉडी बना रहा है डोले हो गए तेरे हीरो 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 सिक्स पैक साहब मैं कौन हूँ हीरो तू कौन है हाँ हीरो रूबी पत्थर हीरा हीरा पत्थर का टुकड़ा हीरा 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 डायमंड हीरा <laughs> हीरा हीरो हीरा लाल हीरो बंदी भाई बोला डायमंड बोलता उधर दिखाता अपना दिखा रहा पत्थर था अबे ये हारा ना हारा हारे हार... भाई इसको कच्चा बादाम पे डांस करना पड़ेगा कच्चा बादाम पे पूरा पूरा कच्चा बादाम वाला मतलब जो रील है पूरी कच्चा बादाम वाली वो तेरे को पूरी बनानी है कैसे बनाऊं आप दोनों मिलकर कर दीजिए हां चलो मिलकर करते, करते हैं। चलो मिलकर है। कर देंगे नाउ आई विल गिव यू अ गिफ्ट यस yes. तो yes. 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 <laughs> <laughs> तीनों सेगमेंट्स हो गए हैं एंड अभी तक के लिए जिस चीज के लिए फाइट चल रही थी दिस इज द रूटर हेम्पर oh. जिसके लिए आप लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया नाउ कंपटीशन uh, बहुत क्लोज था बट विनर एक ही हो सकता है इट्स आइदर द जॉन्टी और पहाड़ी आपको क्या लगता है कौन जीता होगा मैं है ना मैं ये इसका आंसर तो मैं ही और मेरा भी मैं ही हूँ तो दो वोट हो गए मेरे पास मैं जीत गया बट द थिंग इज जो जूरी है अकॉर्डिंग टू देम बहुत ही क्लोज ड्यूल था जहाँ पर आपने एंटरटेनमेंट में कहीं कमी नहीं रखी आपने आंसर्स में नहीं सो द विनर इज सो द विनर इज बोथ ऑफ यू रूटर कांग्रेचुलेशन खोल सकते हैं uh, आप उनके लिए अनपैकिंग कर सकते हैं बट आप बैठिए मैं व्यूअर्स से थोड़ी सी चर्चा कर लेती हूँ टू द व्यूअर्स ये जो आप फैन जर्सी देख रहे हैं ये फैन जर्सी के इज समथिंग दैट यू हैव टू फाइट आउट फॉर जिस तरीके से दोनों ने हेम्पर के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करी है सो मेक श्योर यू यू इंटरेक्ट एपिसोड शेयर करिए कमेंट करिए सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग अकॉर्डिंग टू यू कौन था वो बताइए क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी दोनों बहुत ज्यादा इन्फ्लूस थे सो दिस इज गोई टू बी पर्सनलाइज साइन जर्सी फैन जर्सी तो मिस मत करिए इंटरेक्ट करते रहिए प्यार देते रहिए बिकॉज देर गोइंट टू मेक योर जॉन्टी एंड पहाड़ी सो सी यू अगेन